ये HP की ऑल इन मशीन है और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो की प्रॉब्लम में आई है हमारे पास। इसका प्रोसेसर i5, तो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। और ऑन करके ये देखिए, मैंने इसको ऑन कर दिया है और ये देखिए एंटर कर रहा हूँ तो भी एंटर नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा स्लो मशीन हो रही है, इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है। तो इसका प्रोसेसर है i5 4th generation, इसकी टोटल मेमोरी 4 GB है, मतलब 4000 MB 4 GB हुआ, और i5 4th generation इसका प्रोसेसर है। तो अब इसको खोलते हैं और इसमें SSD लगाते हैं, SSD इंस्टॉल करके दिखाते हैं कि SSD इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले इसके स्क्रू को खोलते हैं, तो बहुत ईजी इसे खोलना है। तो एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और इसको खाली हल्का सा घुमाना है, तो इसकी जो बॉडी अपने आप ही उठ जाएगी। दूसरी साइड भी ऐसा ही करना है। हाँ, तो बहुत ईजी है इसको खोलना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। तो अब इसको खोलते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले एक ओपनर लेना है, ओपनर की मदद से इसको खोलना है। तो मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे खोलते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ओपनर है और मैं इसको खोलता हूँ। तो इसकी बॉडी से पहले तो नीचे से उठी गई है, बस हल्का हल्की से आप प्यार से इसको उठाना है। तो ये देखिए मैंने इसको उठा दिया है और अब इसको इसमें चेक करते हैं कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो देखिए ये इसकी हार्ड डिस्क है, कस्टमर ने कहा है कि इसमें डेटा आया, तो मैं डेटा इसका छेड़ नहीं था, इसकी हम पहले हार्ड डिस्क निकाल के अलग रख ले रहे हैं। और ये इसका राइटर है, हम राइटर को हटा के कैडी में SSD लगाएंगे और उसमें इसमें जो है इसमें विंडोज इंस्टॉल करेंगे, लैपटॉप फास्ट करें, मतलब डेस्कटॉप फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्लो की प्रॉब्लम में आया है हमारे पास। तो देखिए मैं उसको, हमें इसकी रैम भी बढ़ानी है, 4 GB इसकी रैम थी और 8 GB भी करनी। तो रैम के लिए हमें इसको खोलना होगा। तो देखिए मैं इसको खोलता हूँ और ये मैंने सारे स्क्रू खोल लिए हैं और अब मैं इसमें इसमें रैम इंक्रीज करनी है, क्योंकि इसकी 4 GB रैम थी, कस्टमर कह रहा था कि सर इसकी रैम भी बढ़ा देना, तो इसकी हम 8 GB रैम कर रहे हैं। तो इसमें 1 स्लॉट बचा हुआ है, तो हम इसमें 4 GB की एक रैम और लगा देंगे, तो इसमें टोटल जो है 8 GB रैम हो जाएगी। और फिर जो है ये डेस्कटॉप मतलब ऑल इन वन मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो आगे आप इस वीडियो में देखना कि ये कितनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और कैसे पूरी भी इंस्टॉल करते हैं, तो आप इस आगे इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो देखिए इसमें रैम लग चुकी है और ये आपके सामने मैंने रैम लगा दी है और मैं इसको टेस्ट करता हूँ इसको एक बार पैक करने से पहले, क्योंकि इसकी रैम इसमें बड़ी नहीं बड़ी। तो देखिए ये मैंने इसमें पावर लगाई, अब पावर लगा के जो है मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन में देखिए इसकी जो मैंने पहले चेक करी थी तो 4000 कुछ MB दिखा रहा था, अब 8000 कुछ MB हो जाएगा। तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए ये अब ऑन हो चुका है, थोड़ा सा वेट। तो देखिए ये ऑन हो चुका है, मुझे सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाना है, वहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए टोटल मेमोरी 8192 MB दिखा रहा है, मतलब 8 GB इसकी रैम हो चुकी है। तो अब इसको लैपटॉप को जो है पैक करते हैं और फिर इसके बाद चेक करते हैं। इसमें मैंने रैम SSD और जो है सब कुछ इंस्टॉल कर दिया। अभी हम इसके जो है कस्टमर के हार्ड डिस्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें इसका डेटा भी बचाना है। तो अभी मैं इसका ऐसे ही टेम्परेरी पैक कर देता हूँ और पैक करने के बाद मैं इसमें विंडोज़ लगाता हूँ। तो देखिए इसमें विंडोज़ का सेटअप भी काफ़ी तेज़ी से, तो इसमें जो है विंडोज़ भी डल चुकी है और मैंने इसके कस्टमर की हार्ड डिस्क भी लगा दी है इसके अंदर। और अब लैपटॉप को और डेस्कटॉप को पूरा पैक करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे पैक करते हैं। तो देखिए गाइस ये पूरा जो है रेडी हो चुका है, इसमें जो है मैंने इसको पूरा पैक कर दिया है और इसमें मैंने विंडोज़ वगैरह भी सब कुछ रेडी कर दिया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं और चलाते हैं, इसकी स्पीड चेक करते हैं कि कितनी आती है। तो अगर आपको भी ऑल इन वन लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंटर कुछ भी ठीक कराना हो तो आप हमारी शॉप से करा सकते हैं, एड्रेस आज जो है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक ज़रूर करना।